और 3 साल के बाद हज यात्रा की रौनक फिर से लौट रही है। 21 मई को रांची एयरपोर्ट से हज यात्रा का पहला जत्था रवाना हो सकता है। इसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और हज कमेटी के सदस्यों ने एयरपोर्ट में तैयारियों का जायजा लिया। हज यात्रा के दिन करीब आते जा रहे हैं। संभावना है 21 मई को रांची से मदीना के लिए पहली उड़ान शुरू हो। प्रशासन और हज कमेटी ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों का जायजा लेने झारखंड के मंत्री हफीजुल और हज कमेटी के सदस्यों, एयरपोर्ट अथॉरिटी और प्रशासनिक अधिकारियों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। तैयारी चल रही है, जाएं झारखंड के लिए, दुआ करें। दुआ हम लोग बोलेंगे, उनसे अपील करेंगे कि झारखंड दुआ करें कि झारखंड और तरक्की हो, बढ़िया से चले, यहाँ के आदमी को रोजगार मिले। 3 सालों के बाद राज्य में हज यात्रा शुरू हो रही है। इस साल 2767 यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं। इनमें से 2376 रांची से और 351 यात्री कोलकाता से उड़ान भरेंगे। निरीक्षण करने वाली टीम ने एयरपोर्ट पर हाजियों के लिए सुविधा का जायजा लिया ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। हज कमेटी के चेयरमैन होने के नाते जो जवाबदेही दी गई है वो हम लोग पहला एक्सपीरियंस है और पहली बार यहाँ से हमको लगता है कि 3 साल के बाद हम पहली बार भेज रहे हैं। एक चैलेंज तो है और सारी व्यवस्था जो चैलेंज आ रहे हैं, जो जो बातें आ रही हैं सामने, सभी सारी बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। रांची से बड़ी संख्या में यात्री हज करेंगे, ऐसे में कई सुविधाओं की जरूरत होगी। अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ऐसी सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।